हम सभी अपने जीवन में सुख और शांति से जीना चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं हमें स्वतंत्रता मिले और इसी स्वतंत्रता के साथ हम जीवन में आगे बढ़े। और जब कोई व्यक्ति हमें ऐसा कुछ करने से रोकता है तो हम उससे चिढ़ जाते हैं, किंतु यथार्थ इससे विपरीत है। कभी कभी यही व्यक्ति जाने अनजाने में हमें ये सोचने पर विवश कर देता है कि हम जो कर रहे हैं वो कहीं अनुचित तो नहीं। जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते सुख ढूंढते ढूंढते स्वतंत्रता ढूंढते ढूंढते हम कहीं कुछ अनुचित तो नहीं कर रहे हैं। इसे समझना आवश्यक है। अब ये हम समझेंगे एक उदाहरण द्वारा। कभी किसी उपवन में जाइए और वहां माली को देखिए, वो क्या करता है? समय समय पर घास और पौधों को वो काटता है। अब ऐसा वो क्यों करता है? उगाता भी वही है, परिश्रम भी वही करता है, फिर अपने ही परिश्रम को काटने का अर्थ क्या है? ऐसा भला वो क्यों करता है? वो ये करता है ताकि घास और पौधे इन सभी को वो नियंत्रित रख सके और उपवन को वो सुंदर और मन भावन बना सके। ये होता है उसका मंतव्य। अब सोचिए, ये व्यक्ति आपके जीवन में वही कार्य कर रहा है। आपके जीवन में ये माली बन के आता है, बस बिना किसी शुल्क के आपको ये उत्तम बनाए जा रहा है। तो मन ही मन में इसके प्रति आभार व्यक्त कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।